हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 13। देही नोस्मिन् यथा देहे कौमरं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो हम देखते हैं कि ये जो श्लोक है, 13 नंबर श्लोक, भगवान श्री कृष्णा धीर व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। जैसे हम बचपन से बड़े होते हैं, पहले तो माँ के गर्भ से जब हम निकलते हैं तो हम बहुत ही इतने छोटे होते हैं कि हम माँ के दूध के अलावा और कोई भी चीज़ हजम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, 1 साल के, फिर 2 साल के, फिर 5 साल के। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है वो बढ़ता रहता है और एक समय आता है जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। जैसे कि आप एक 5 साल का बच्चा आपने देखा है, तो उसको अगर आप 10 साल बाद मिलेंगे, जब वो 15 साल का हो जाएगा, पहचानना ऐसे, आप अगर आप उनके घर नहीं जाएंगे, रास्ते में मिले तो आप पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि 5 साल के बच्चे के जो बॉडीली जो गठन है और 15 साल का बच्चा में काफी फर्क आता है। लेकिन हो सकता है कि आपने जिसको 15 या 20 साल की उम्र में देखा और उसी को अगर उसके 35 एज में देखे तो पहचान में आ जाए, क्योंकि जैसे यंग एज प्राप्त करते हैं 16-17 साल में, तो उस समय जो बनावट होता है फेस का या हाइट होती है तो लगभग सेम रहता है आपका काफी समय तक। हाँ, इंसान पतला मोटा मोटा हो सकता है, लेकिन जो बनावट है वो सेम रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय तक स्टेबल होता है, फिर वही जो है धीरे 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 वृद्धावस्था की ओर गति करते हैं वही शरीर। तो शरीर इसमें बताया है इस श्लोक में कृष्ण ने कि जिस प्रकार से शरीर 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 में क्या होता है, आत्मा। एक्चुअली शरीर बढ़ता ही क्यों है, क्योंकि उसमें आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर मृत है। तो आत्मा के बिना एक्चुअली शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। शरीर ऑलरेडी जड़ है, हम आत्मा है, तो हम इस शरीर में हैं, तो ये शरीर बढ़ता है, तो ये शरीर में कुछ एक्टिविटीज हो रहा है। तो इसमें कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में, बचपन से तरुण, टीन एज की अवस्था आती है, तरुण अवस्था आती है, और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। जैसे हम देखें कि हम भी एक दिन छोटे थे, एक दिन हमारे माता पिता भी छोटे थे, अभी जो बच्चे हैं प्रेजेंट में वो भी छोटे हैं, फिर कल वो भी बड़े होंगे, वो भी बूढ़े होंगे, तो ये प्रोसेस जो है चलता ही रहता है। तो इसी प्रकार इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो आत्मा भी इस प्रकार से शरीर चेंज करते रहते हैं, तो उनका भी पुनर्जन्म होता रहता है, जब तक वो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं बनते और भगवत धाम नहीं जाते हैं। तो ये जो आत्मा है, इसका खुद का ही आध्यात्मिक शरीर है, सिद्ध देह। तो ये आत्मा जो है, आत्मा के ऊपर एक्चुअली 2 शरीर का कवर है। एक है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर के जैसे काम करता है, मन बुद्धि अहंकार। और एक है उसके ऊपर आवरण है दूसरा शरीर का, स्थूल शरीर, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। तो ये 2-2 शरीर का आवरण है आत्मा के ऊपर, और इन स्थूल शरीर में चेंज होता रहता है। और जब तक हम मन बुद्धि और अहंकार को कृष्ण के सेवा में नहीं लगाते, जैसे मन को कैसे लगाएंगे, जब मन से मन लगाकर हम प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करेंगे, अपने आंखों को कृष्ण के दर्शन करने में, नाक नाक को कृष्ण के पुष्प सूंघने में, चरणों में चढ़ाया हुआ, कान को कृष्ण भजन कृष्ण कथा सुनने में, जीभा को कृष्ण प्रसाद कृष्ण के चरणों में चढ़ाया हुआ तुलसी स्वादन करने में, और स्किन को कृष्ण के मंदिर झाड़ने बुहारने में, कृष्ण का कुछ भी जो स्किन से हम सेवा कर सकते हैं, अभिषेकम या इस तरह से। तो ये जो है ये
दोनों प्रकार के शरीर को हम जब कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, जो हमारे ऊपर अभी एक आवरण की तरह है, तो तब जाकर क्या होगा, तब जाकर हम इस भौतिक जो अवयव है या भौतिक जो हमारा अस्तित्व है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि एक्चुअली जिस प्रकार से शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और वृद्धावस्था आता है, वैसे ही हर आत्मा अपना शरीर चेंज करता रहता है। 84 लाख योनि है, कितने सारे योनियां पानी में है, पानी में जन्म लेते हैं मछली, ये मछली, वो मछली का वो है, क्या बोलते हैं, क्रैब्स है, तो इस प्रकार की बहुत सारी प्राणियां हैं 9 लाख प्रकार के। फिर वो लोग स्थल और जल के बीच में जो है वो बनते हैं, फिर वो लोग उसके बाद वो लोग बनते हैं जैसे ट्रीज हो गया, ट्रीज बनते हैं, फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं हम लोग आत्मा, तो उसके बाद जो है वो लोग पक्षियाँ बनते हैं, और कुछ लोग फिर उसके बाद एनिमल्स बनते हैं, पशु बनते हैं, फिर मनुष्य योनि, मनुष्य योनि भी 4 लाख अलग अलग प्रकार की योनि है। तो मतलब 84 लाख योनि में हम बार बार भटक रहे हैं, तो ये मनुष्य योनि क्यों ना हम कृष्ण की सेवा में लगा दे। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये इतने सारे योनि में तो आप इतना एंजॉयमेंट कर चुके हो, इंद्रिय तृप्ति कर चुके हो, तो क्यों ना आप ये वाला जो शरीर है, ये वाला जो मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है कृष्ण की उपहार के रूप में, ये कृष्ण की सेवा में आप क्यों नहीं लगा देते। तो इस प्रकार से हमें उत्साहित करते श्री प्रभुपाद। तो इसमें कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि शरीर चेंज करते हैं आत्मा, और कृष्ण ने लास्ट श्लोका में भी बोला है कि हमेशा आत्माएं रहती है, सबका व्यक्तित्व है, तो इसलिए इससे कोई धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, हमारा अपना आइडेंटिटी है, एक व्यक्तित्व है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्धावस्था के रूप में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वृद्धावस्था में कोई और आत्मा हो गया, ऐसा नहीं, आत्मा वही रहता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा हमेशा यंग, एनर्जेटिक, हमेशा ब्लिसफुल, ये आत्मा का एक्चुअली नेचर है, क्योंकि वो कृष्ण के अंश है, कृष्ण सच्चिदानंदमय है, तो आत्मा भी है, इसलिए आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आत्मा ने अपनी गलत पहचान कर लिया शरीर के साथ, इसलिए उनको कष्ट होता है। तो यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कारण था। अर्जुन को बस अपना कर्तव्य पालन करना था, अर्जुन को शोक करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि जो लोग मरेंगे उनको उच्च गति ही प्राप्त होगी, क्योंकि कृष्ण की प्रेजेंस में वो लोग शरीर छोड़ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी वीर अगर देश के लिए लड़कर युद्ध क्षेत्र में शरीर छोड़ता है अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करके, तो उसको स्वर्ग में देवता का शरीर प्राप्त होता है। तो जहाँ भी हम जाते, जैसे हम वैकुंठ जाते हैं भगवत धाम, तो हमारा आध्यात्मिक शरीर हमें प्राप्त होता है। अगर हम कुछ पुण्य किया और स्वर्ग लोग जाते हैं तो देव शरीर प्राप्त होता है। अगर हम मनुष्य योनि में हैं तो ये कर्म शरीर है, मनुष्य को कर्म करना चाहिए कृष्ण के लिए। और अगर हम पशु योनि में हैं तो वो भोग शरीर है, पशु पक्षी की जो योनि है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मनुष्य योनि में ऐसा कर्म कर चुके हैं कि उनको पशु का योनि भुगतना पड़ रहा है, भोग शरीर, उसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब एक शेर कोई हिरण को खाता है तो उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि भोग शरीर में है। हमको पाप लगता है क्योंकि हम कर्म शरीर में हैं, तो ये डिफरेंस है। और अगर कोई नरक जाए तो उनको यातना शरीर मिलता है, इसमें इतनी यातनाएं देने पर भी वो शरीर एक्चुअली नष्ट नहीं होता, जैसे कि गन्ने का जूस निकालते हैं ना, तो ऐसे भी पनिशमेंट दिया जाता है, ऐसे गन्ने की मशीन की तरह, ऐसा मशीन में जिसमें ऐसे शरीर को घुसा देता है, जिससे उसको बहुत तकलीफ होगा, उसको यातना, जैसे इस शरीर में अगर कोई स्विच उभाए मनुष्य शरीर में, तो जितनी यातना होगी, यातना शरीर में उससे 1000 गुना ज्यादा यातना मिलती है, तो बहुत चिल्लाएगा, बहुत रोएगा, लेकिन वो शरीर रबर की तरह फिर निकल आएगा, फिर उसको वहां पे बार 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 बार, जैसे यहाँ पे कोई अगर अपराधी पकड़ते हैं पुलिस और वो मालूम है कि वो अपराधी है, तो 3rd degree का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत रोज मारते पीटते हैं, तो रोज 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 ये दुख नरक में होता है, तो उनके लिए यातना शरीर है।
तो इस प्रकार से अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। और यहाँ पे अर्जुन के दुख का कारण कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भीष्म और द्रोण, जिसके लिए अर्जुन बहुत चिंतित है क्योंकि वो उनके पूजनीय है और बहुत प्रेम करते हैं उन दोनों से, क्योंकि वो बहुत ही साधु पुरुष थे भीष्म और द्रोण, तो ऑब्वियसली उनको आध्यात्मिक शरीर ही प्राप्त होंगे। तो किसी को भी, और वहां पे जो भी थे उनको नहीं भी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, कम से कम स्वर्ग भोग तो सबको मिलेगा, इसलिए दुख करने का कोई कारण नहीं था। तो धीर व्यक्ति जो है, जो आत्मा की लेवल पे सोच सकते हैं, आत्मा खुद है ये जान सकते हैं, तो कभी भी मोहित नहीं होते हैं, ये कृष्णा कह रहे हैं इस श्लोक में। तो आगे प्रभुपाद बताते हैं कि जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, उसे धीर कहा जाता है। यानी कि हम आत्मा हैं, हम कृष्ण का अंश हैं, और ये भौतिक जगत भी कृष्ण के अधीन है। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया देवी इसका अधिष्ठात्री देवी है, वो इनका कंट्रोल करती है, शी इज लाइक अ जेलर। जो इस बात को समझते हैं और इसका पूर्ण ज्ञान होता है और प्रैक्टिस भी करते हैं अपने जीवन में भगवत गीता को, वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। इस भौतिक संसार में आएंगे ना, सबको ट्रबल मिलेगा। किसको ट्रबल नहीं मिला? मिला कि हम, जैसे प्रहलाद महाराज को ट्रबल मिला, क्या हमें ऐसा ट्रबल मिला? प्रहलाद महाराज को तो ऐसा ट्रबल मिला, कभी ऐसा हुआ कि अपने ही पिता उनको मारना चाहते थे, अपने ही पिता उसमें पहाड़ से फेंक दिया, पानी में पत्थर बांध कर फेंक दिया ताकि वो पानी में ही रहे, हाथी से कुचलवाना, यू नो, जहर देना, सब कुछ किया, अपने पिता ही मारना चाहते थे। तो ये एक्सट्रीम केसेस है। तो ट्रबल आया, लेकिन हमेशा उनका कृष्ण पर विश्वास था। परीक्षित महाराज को ट्रबल है, 7 दिन में डेथ होने वाला है, लेकिन हमेशा परीक्षित महाराज को कृष्ण की मर्सी पर विश्वास था कि कृष्ण भले ही सिचुएशन में मैं हूं, लेकिन इस सिचुएशन से कृष्ण मुझे भगवत धाम ले जाएंगे, ये उनका ही प्लानिंग है मेरे लिए। तो एक भक्त, ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में ट्रबल नहीं आता। ये भौतिक संसार दुखालय मसास्वतम है। इस भौतिक संसार में कोई भी आता है उनको ट्रबल आता है। कैसा ट्रबल? बीमार होगा शरीर, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, वृद्ध होगा ही, जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु भी आएगी। लेकिन मृत्यु से पहले अगर किसी ने 2 साल भी अच्छे से भगवान कृष्ण की भक्ति किया, तो उनका वो 2 साल ही बहुत काफी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बस हम बूढ़े होके भक्ति करेंगे, नहीं, आपको नहीं पता है कि 2 साल है कि 10 साल है, कितना साल है। तो हमें आज से ही पूर्ण रूप से भगवान के प्रति सरेंडर होकर भक्ति करना चाहिए। ट्रबल आएगी, लेकिन एक धीर व्यक्ति कभी विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इस भौतिक संसार का ये नेचर है, ये नेचर है, तो आएगी ट्रबल। जैसे आप बहुत बारिश होने वाला है, जैसे जगह है चेरापूंजी, वहाँ पे बहुत बारिश होता रहता है, तो आप वहाँ पे गए हैं, आपको मालूम है वहाँ बारिश होती ही रहती है, तो यू नो दैट एंड यू आर मेंटली रेडी फॉर दैट। तो आपको मालूम है बारिश होती है, तो आप अपना इंतजाम करके जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हमको मालूम है ट्रबल आना ही है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई ट्रबल ही नहीं आया। आया, लेकिन भक्त क्या बोलेंगे? कृष्ण ने रक्षा किया, अब इससे रक्षी भी कृष्ण, ऐसा विश्वास भक्त के हृदय में होता है। तो भगवान उनको हर ट्रबल से कैसे निकलना है आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं, कैसे भगवत धाम आना है। ददामि बुद्धि योगम त्वम। तो आत्मा के एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता है। मायावादी लोग सोचते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसी फिलोसॉफी देते हैं कि आत्मा जो है भगवान का अंश है, तो भगवान अंश 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 हो गया, तो भगवान अब नहीं है, शून्य है। ऐसा नहीं है, भगवान पूर्ण है और हमेशा पूर्ण रहेंगे, भले ही करोड़ों से भी करोड़ों अनगिनत उनका अंश हो, फिर भी वो पूर्ण है। तो इसलिए मायावादी सिद्धांत कभी भी जो है भगवत गीता की फिलॉसफी के साथ मैच नहीं हो सकता है शास्त्र में। तो गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिसे जिन्हें क्षर कहा जाता है, और उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है, परमात्मा का अंश मतलब कृष्ण का अंश आत्मा। तो आत्मा में ये प्रवृत्ति होती है कि वो भौतिक चीज़ों के प्रति जो है आकृष्ट हो रहा है, या भौतिक प्रकृति में वो गिर सकता है, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में दृढ़ है तो कृष्ण उनकी रक्षा करते, वो योग माया के तत्वावधान में आ जाते हैं। तो ये अंश जो है भगवान का अंश, वो हमेशा कृष्ण से अलग रहते हैं, उनका एक व्यक्तित्व है,
और जैसे कि त्वैसा बना रहता है, ऐसा नहीं कि उनमें कुछ कोई हानि या उनका कुछ कोई मृत्यु आ सकती है, ऐसा नहीं है। किंतु एक बार अगर आत्मा मुक्त हो गया, मुक्त होने का मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है, तो मृत्यु होने का मतलब मुक्त होना नहीं होता। मृत्यु में तो हम स्थूल शरीर को त्यागते हैं, लेकिन मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर उसमें बंदी होकर हम एक दूसरे माता के गर्भ में जाते हैं। तो इसलिए मुक्ति का मतलब है जब हम सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाए, और कब संभव है, जब हम सूक्ष्म शरीर को भगवान की सेवा में लगा दें, अपने मन से 2400 घंटा कृष्ण की स्मरण कर पाए तब जाकर। तो ऐसा हम कर सकते हैं, हो सकता है हम प्रैक्टिकली नहीं लगे हो ऑल द टाइम कि आरती ही कर रहे हैं या भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हो सकता है हम कुछ और काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति ऑफिस में है, लेकिन कृष्ण के बारे में वो हर समय सोच सकता है। अर्जुन अगर युद्ध क्षेत्र में सोच सकता है, तो वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कृष्ण के बारे में 24 घंटा सोच सकता है। और यही रागानुगा भक्ति है, जो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते हैं, कृष्ण के बारे में सोचे बिना उनसे रहा नहीं जाता। ऐसे कोई प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे के बारे में निरंतर सोचता रहता है। तो यहाँ पे मुक्त होने के बाद वो भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप से रहता है आत्मा। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। तो परमात्मा इतने दयालु है कृष्णा, कि कोई अगर अपने कर्म के कारण टॉयलेट में भी एक कीड़ा बन गया, उसके अंदर भी परमात्मा निवास करते हैं। हर लिविंग एंटिटी के अंदर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, बस हमें उस बात को स्वीकार करना है। और जैसे हम मनुष्य योनि में आते हैं ना, तो हम एक्सेप्ट कर पाते हैं इस बात को। तो जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य चंद्र और तारे भी होते हैं। तो इसमें हम सूर्य चंद्र जो मेन है, जैसे रात को चंद्र दिखाई दे रहे मतलब सूर्य नहीं है, सूर्य दिखाई दे रहे मतलब दिन में चंद्र नहीं है, तो जैसे रात को अगर दिखाई दे रहे हैं, तो हम भगवान को सूर्य या चंद्र के साथ तुलना कर सकते हैं, और तारों की तुलना जीवों से कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान हर समय जो है जीवात्माओं का प्रोटेक्शन करते हैं। व्यस्ति अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसा कि फोर्थ चैप्टर जो है चतुर्थ अध्याय के आरंभ में स्पष्ट है कि कभी भी आत्मा और परमात्मा एक ही स्तर में नहीं हो सकता। जो तारे हैं, तारे और चंद्र एक ही स्तर में नहीं हो सकता। एक चंद्रमा पूरा अंधकार दूर कर देते रात को, और ऐसे हजारों लाखों तारे भी नहीं कर पाते। हाँ, आपको लगेगा वाह कितना सुंदर आसमान है, कितने सारे तारे हैं, लेकिन वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। चंद्रमा अंधकार को दूर कर सकता है। कितना सुंदर मधुर चांदनी रात होती है, जो पहले लोग जो होते थे उसमें गांव में, जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा चांदनी रात में, तो ऐसे गर्मी के मौसम में लोग चटाई बिछा के बाहर ही कृष्ण कथा या राम जी की कथा डिस्कशन करते हैं, ऐसा कल्चर है हमारा। तो बहुत सुंदर, वो अंधकार को दूर कर देता है चंद्रमा। सूर्य, सूर्य तो तुरंत ही अंधकार को दूर कर देते हैं। तो इस तरह से तारे नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार हमें कनेक्टेड रहना पड़ेगा कृष्ण से, तब जाकर हमारा कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि हम अकेले कुछ कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हम कभी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। या तो हम योग माया के अंदर रहे यानी कृष्ण के अंदर, या हम महामाया के अंदर रहे यानी दुर्गा जो भौतिक प्रकृति है। तो जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि दोनों एक स्तर पर नहीं हो सकते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर होते, मतलब अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर, तो उनको कन्फ्यूजन ही नहीं होता। तो कृष्णा अर्जुन से श्रेष्ठतर है, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण परमात्मा है, स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। इसलिए तो अर्जुन को वो शिक्षा दे रहे थे, और अर्जुन इसे ग्रहण करके लाभान्वित हो रहे थे। तो मायावादी क्या कहते हैं कि कृष्ण भी सेम है, माया द्वारा मोहित है, तो फिर ऐसे कैसे कोई उपदेशक बन सकते हैं, और इतना परफेक्ट फिलोसॉफी जिससे हमारा लाइफ बदल जाए कैसे दे सकता है। तो ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, कोई अगर मनुष्य कृष्ण से अलग होकर कोई उपदेश देना चाहे तो व्यर्थ है, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। इसलिए भगवान ही सिर्फ हमें परफेक्ट उपदेश दे सकते हैं।
तो ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है जो पद में माया द्वारा विस्मित अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दहा आगमापायिनो नित्यास तां स्थिति क्षश्व भारत। तितिक्षस्व का मतलब होता है सहन करने का प्रयत्न करो अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। तो इस भौतिक संसार में सुख आता है, दुख आता है, वो आता जाता रहता है। तो ये दिन और रात के समान है, रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगा। जैसे सर्दी में रात थोड़ी लंबी होती है, गर्मी में छोटी होती है, तो ऐसा ही है, सुख दुख आता जाता रहता है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो बात है कि मुझे सुख हुआ दुख हुआ, ये इंद्रिय बोध के कारण उत्पन्न होते हैं। भक्त तो सुख में और दुख में अविचलित रहते हैं। सुख है तो भी कृष्ण नाम लेंगे, तो भी कृष्ण की सेवा करेंगे, दुख है तो भी करेंगे। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए, कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें क्या चाहिए, अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ये चाह रहे हैं कि हम सुख और दुख को सहन करें। सुख और दुख को सहन करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहें। ये मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता है और इससे हम संपूर्ण रूप से ब्लिसफुल लाइफ जी सकते हैं, एक आनंदित लाइफ जी सकते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो सुख दुख हमेशा आता जाता रहेगा, लेकिन ये क्षणिक है, आज दुख है तो कल सुख है, तो कल दुख है कल सुख है, तो इसको हमें सहन करना पड़ेगा। जैसे हम बीमारी में क्या करते हैं, अगर आपको बुखार हो गया, आपको बॉडी में बहुत पेन है, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, लेकिन फिर भी आपको कुछ तकलीफ तो सहनी पड़ती है, तो ऐसे ही सुख दुख मन की भावनाएं हैं। लेकिन मन अगर कृष्ण में रमा हुआ है तो सुख दुख महसूस नहीं होता है, आनंद महसूस होता है। आनंद के सामने सुख कुछ भी नहीं है। तो इसलिए एक्चुअली शांति, शांति क्या है, माइंड से रिलेटेड है, सुख शरीर से रिलेटेड है, सुख और दुख का भौतिक शरीर। और शांति क्या है, मन में आता है, एक्चुअली ये आत्मा से ही आती है सब चीज़ें। तो आपको जो महसूस हो रहा है, अगर आप आत्मिक लेवल में है तो आपको हमेशा आनंद का महसूस होगा, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, सच्चिदानंदमय ऐसा महसूस होगा हम सबको। लेकिन अगर हम माइंड की लेवल में है या बॉडी की लेवल में है, दोनों ही माइंड है, सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, तो इस लेवल में क्या होगा, हमें कष्ट होगा अगर हम इस लेवल में रहेंगे तो। कोई कुछ बोल दिया तो हम बहुत सोचेंगे, हर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे तो उस बात को हम कैसे प्रैक्टिकली हैंडल करना है हमें समझ में आएगा। तो मन में शांति तभी आ सकती है, कृष्ण कहते हैं शांति का फॉर्मूला क्या है, जब हम मन को कृष्ण की सेवा में लगाए और जो भी सुख दुख शरीर के लिए आ रहा है उसे सहन करना सीखे और कर्तव्य का पालन करें। प्रभुपाद बहुत सुंदर इसमें एनालॉजीज देते हैं पार्पर्ट में। वैदिक आदेश के अनुसार जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि माघ महीना होता है ना, जनवरी फरवरी के महीने बहुत ठंड पड़ती है कई जगहों पर भारत में, तो वहाँ पे उस समय भी प्रातः काल स्नान का बहुत महत्व है। फिर भी बहुत लोग सुबह सुबह उठ के स्नान करते हैं ठंड में, क्योंकि उठने का कितने लोग उठते ही नहीं है, मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी अत्यधिक ठंड में भी वो लोग उठ के स्नान करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, मंगल आरती करते हैं। तो ऐसे रहना चाहिए, सहन करना है ठंड और गर्मी को, जैसे हम सहन करते हैं ना, वैसे सुख दुख को भी हमें सहन करना सीखना होगा। दूसरा उदाहरण श्री प्रभुपाद देते जो बहुत सुंदर है, जैसे कोई गृहिणी है तो माँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए गर्मी, बहुत गर्मी, जैसे दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी में उस गर्मी में भी किचन में वो कुकिंग करती है, भले ही पसीना पसीना हो जाती है, और बहुत सर्दी में भी सुबह उठ के नहा के फिर भी कुकिंग करती है, बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है। तो ऐसे अविचल रहना है हमें भक्ति में। तो जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अर्जुन का धर्म था, तो इसलिए ऐसे नहीं सोचना कि मित्र है परिजन है वो लोग अधर्म के पक्ष में है, और धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है।
तो अर्जुन को इस श्लोक में हम देखते हैं दो नामों से पुकारा गया, एक तो कौंतेय, कौंतेय मतलब वो कुंती के पुत्र है। तो कुंती महारानी का जो इतना महान परिवार है उसका बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन से कि देखो आप कौंतेय हो, कुंती जैसी महान माता के पुत्र हो आप, आपका मातृकुल कितना महान है और पितृकुल भारत बोल के संबोधित करते हैं ना कृष्ण, भारत करके, तो भारत मतलब जो भरत वंशी है उनके पितृकुल के बारे में बताते हैं। तो दोनों दोनों ओर से अर्जुन को महान विरासत प्राप्त है और महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप वो उनका और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एग्जाम्पल सेट करे कि ही सच ए गुड पर्सन, कि अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें इस श्लोक में यह शिक्षा देते हैं कि हमें भले ही सुख आए दुख आए हमें सहन करना सीखना चाहिए और कृष्ण भक्ति में लगातार प्रगति करते रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे शिष्य भले ही स्वर्ग में हो या नरक में हो 16 माला और 4 नियम उनको पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो मेरे शिष्य नहीं है। स्वर्ग मतलब इस भौतिक संसार में कभी हमें बहुत सुख होते हैं तो ऐसा नहीं कि हम भक्ति छोड़ दें, माला छोड़ दें, बहुत सुख हो गया, या दुख में छोड़ दें, ऐसा नहीं। तो भक्त लोग भले ही वो सुख में हो दुख में हो हर समय वो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं जो आत्मा का प्राइमरी कर्तव्य है, कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।